नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित तिवारी। आज हम लोग यहाँ पे नया टॉपिक देखते हैं। जो नया टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे वो होगा सेल यानी कि कोशिका। तो हम लोग नया टॉपिक यहाँ पे डाल देते हैं, सेल यानी कि कोशिका। सबसे पहले हम लोग थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं कि सेल होता क्या है, कैसे क्या। एक्चुअल में जो सेल है ये ग्रीक वर्ड से इसकी ओरिजिन है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये बना है काइटॉस से, और काइटॉस मतलब होता है वेसल या फिर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। वेसल या फिर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखने वाला संरचना या फिर खाली जगह। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, जान लेते हैं कि सेल होता क्या है। देखो बेसिकली हम लोग छोटे होते हैं तभी से हमसे सेल का डिफिनेशन पूछा जाता है, और हम लोग सेल के डिफिनेशन में केवल एक ही बात बताते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल, या स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज सेल। एक्चुअल में सारे सही हो, लेकिन अगर हमको सेल का एग्जैक्ट डिफिनेशन बताना है तो सेल का जो डिफिनेशन होगा वो होगा सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल, या फिर हम ऑफ द बॉडी, या फिर हम बोल सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बॉडी, यहां पे ऑर्गेनेल्स नहीं हो सकता है, व्हिच सराउंडेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड कैपेबल इन सेल्फ रिप्रोडक्शन इन अ सुटेबल मीडियम। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि सेल क्या होता है, सेल का डिफिनेशन क्या है, तो जो हम लोग बोलते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, सेल इज द हेरिडिटरी यूनिट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। इसको ना बता करके अगर मुझे एग्जैक्ट डिफाइन करना है कि सेल क्या होता है, तो हम बताएंगे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बॉडी व्हिच सराउंडेड बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कैपेबल इन सेल्फ रिप्रोडक्शन इन अ सुटेबल मीडियम। मतलब सेल हमारे शरीर का संरचनात्मक और आधारभूत इकाई होता है, या एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, और अगर इसको अच्छा मीडियम मिले, अगर इसको सुटेबल मीडियम मिले, तो सेल के अंदर ये खासियत होती है कि वो एक सेल से दो सेल में, दो से चार में, चार से आठ में फर्दर डिवीजन होता रहेगा, विभाजन होता रहेगा, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि बेसिकली अगर हमको जनरल लैंग्वेज में समझना है तो सेल क्या होता है। अगर हम बात करें सेल की, और कोई आपसे पूछे कि आपका घर किससे बना है, तो हमारा जो घर होता है वो वैसी बात है बहुत सारे दीवार से मिलके बना है, लेकिन दीवार की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो क्या होगी, तो ऑब्वियसली बात है उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो होगी एक ब्रिक या फिर एक ईंट। तो ये जो ब्रिक्स है, ईंट है, किसी भी घर को बनाने के लिए ये क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है उसकी। सिमिलरली अगर बात किया जाए कि सेल क्या होता है, कोशिका क्या होता है, तो हमारी बॉडी ऐसे न्यूमेरस सेल से, असंख्य सेल से मिलके बना हुआ होता है, जो कि हमारे शरीर का स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट होता है। अब हम लोगों से क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन आया है कि साइंस की वह ब्रांच जहां पर हम कोशिका का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको, साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। अगर हम इसका हिंदी में डिफिनेशन बताएं तो विज्ञान की वह शाखा जो कोशिका के अध्ययन से संबंधित हो उसको क्या कहेंगे, कोशिका विज्ञान। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। अब अगला क्वेश्चन हमसे यहां से पूछा गया है कि सेल की डिस्कवरी किसने की या सेल की खोज किसने की। तो एक साइंटिस्ट थे और इनका भाई साहब का नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था इनका, रॉबर्ट हुक।
और ये जो रॉबर्ट हुक भाई साहब थे, इन्होंने 1665 में सेल की खोज की थी। हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था, अगर हम लोग थोड़ी हिस्ट्री में चले, तो ये जो रॉबर्ट हुक भाई साहब थे, कोई इनका ऐसा मोटिव नहीं था कि ये आज सेल को डिस्कवर ही कर लेंगे, ठीक है। इनको टारगेट नहीं दिया गया था कि अगर तुम सेल नहीं डिस्कवर करोगे तो खाना नहीं मिलेगा या ऐसा कुछ। एक्चुअल में क्या हुआ था यहाँ पे, इनके साथ में जो रॉबर्ट हुक भाई साहब थे, ये अपने लैब में बैठे हुए थे और लैब में ही ये स्टडी कर रहे थे। तो इनके लैब में उस समय पे, अगर आप लोग केमिस्ट्री के लैब में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि अभी केमिस्ट्री के लैब में ऐसे बहुत सारे बोतल्स रखे होते हैं, इनको रिजेंट बॉटल बोला जाता है, और इसके अंदर केमिकल डाला जाता है। उस टाइम पे जो बोतल होते थे, लकड़ी का होता था, कॉर्क का होता था, इन्होंने किया क्या कि इसमें जो इसका ढक्कन था, इसके ढक्कन का कॉर्क का ऐसे छोटे छोटे स्लाइस किए, यानी छोटे छोटे पीस बना दिए इसके, और इनके पास अपना खुद का बनाया हुआ यानी सेल्फ मेड इनका एक लाइट माइक्रोस्कोप भी था। और इसी लाइट माइक्रोस्कोप पे इन्होंने इसको रख के जब यहाँ पे देखा, तो जब इन्होंने इसको रख के यहाँ पे देखा तो इन्होंने इसको यहाँ पे रख के देखा तो जब इन्होंने इसको पीस को कार्क को यहाँ पे रख के देखा तो हुआ क्या, इनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमको बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है। तो इसके लिए इन्होंने जो टर्म यूज किया वो यूज किया काइटॉस, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखने वाला, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं यानी कोशिका बोलते हैं। याद रखना, हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल की डिस्कवरी किसने की, तो सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल की खोज किसने की, वो की रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक भाई साहब ने जो कोशिका खोजी थी, जो सेल खोजी थी, ये ओबेसी बात है, बोतल में लगा हुआ कॉर्क था, यानी डेड सेल था। तो इन्होंने जो सेल खोजा था वो कैसा था, डेड सेल था। अगर हम लोगों से स्पेसिफाइड करके क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने खोजा, यानी प्रथम जीवित कोशिका किसने खोजी, तो अगर प्रथम जीवित कोशिका की बात हो तो एक साइंटिस्ट थे और इनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इनको बोलते हैं ए वी ल्यूवेनहॉक। और ये भाई साहब जो थे, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक लिविंग सेल क्या किया, इन्होंने एक जीवित कोशिका सबसे पहले खोजा, एक लिविंग सेल या जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले कौन किए, ए वी ल्यूवेनहॉक या एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, जैसे आप खुद ट्राई करो, आप जहां पे रहते हो उस गांव में एक ऐसा सिस्टम है कि वहां पे कोई भी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं भेजता है, और अगर आप सिलेक्ट हो जाओ तो होगा क्या, पूरे एरिया में एक रिवोल्यूशन आ जाएगी, सारे के सारे जितने पेरेंट्स हैं अपने बच्चे को क्या करेंगे, आईएएस बनाने का सपना देखने लगेंगे। सिमिलरली जब तक इन्होंने सेल नहीं खोजा था, तब तक किसी का ज्यादा ध्यान नहीं था कि सेल क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन जब इन्होंने सेल खोज दिया तो इस तरफ मैक्सिमम डिस्कवरी होने लगी, इन्होंने सेल के बारे में बताया तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या किए, सेल के बारे में ही पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो एक साइंटिस्ट थे और उनका भाई साहब का नाम था स्लीडन, एंड स्वान, स्लीडन एंड स्वान, और इन्होंने 1838 और 39 में हमको कुछ बातें बताई, और इनकी जो बातें बताई वही बातें क्या हुई, हमको सेल थ्योरी या फिर कोशिका सिद्धांत के नाम से बताया गया, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। हम लोगों से कई सारे एग्जाम्स में वेरियस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया कि सेल थ्योरी किसने दिया, तो स्लीडन एंड स्वान नाम के दो साइंटिस्ट थे 1838 में। एक ने बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं, सारे के सारे प्लांट की जो बॉडी होती है एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी होती है। सेम चीज 1839 में एक ने बताया कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, सारे के सारे एनिमल्स की जो बॉडी होती है वह वन और मोर देन वन सेल से मिलकर कंपोज होती है, बनी हुई होती है। और इनके सेल थ्योरी में जो इन्होंने बातें बताई, दोनों के स्टेटमेंट को क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया, तो एक कंबाइंड टर्म हुआ सेल थ्योरी। हमसे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल थ्योरी क्या होता है,
या सेल थ्योरी किसने दिया, ठीक है। तो सेल थ्योरी में हमको कुछ बातें बताई गई थी, हम लोग करते क्या है, इधर वाला ये पार्ट थोड़ा हटा देते हैं और देखते हैं कि सेल थ्योरी में हमको कौन कौन सी बातें बताई गई, टोटल क्या क्या बताया गया सेल थ्योरी में। याद रखना सेल थ्योरी में तो ऐसे कई सारी चीजें बताई गई थी, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे मेन है तीन टॉपिक हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। पहला हम लोगों को सेल थ्योरी में बताया गया कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी एक या एक से ज्यादा सेल से मिलके बना होता है। यहां पे बताया गया सेल इज द पहला टॉपिक जो हमको बताया गया वो बताया गया बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड बाय वन और मोर देन वन सेल, यानी किसी भी सजीव का जो शरीर होता है वो एक या एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलके निर्मित होता है। दूसरा जो टॉपिक हमको यहां पे बताया गया वो बताया गया सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब जो सेल होता है, सेल किसी भी सजीव के किसी भी जीवन के शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। और तीसरी बात जो इन्होंने हमको बताई वो बताया ऑल द सेल्स आर एराइजेस, वो बताया ऑल द सेल्स आर एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब है कि हमारे शरीर में कोई पहले से कोशिका है और इस कोशिका में विभाजन होगा तो विभाजन के फलस्वरूप क्या होंगे, हमको नए सेल मिलेंगे। ऑल द सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सेल थ्योरी में हमको टोटल तीन चीजें बताई गई, पहला कि किसी भी सजीव का जो शरीर होता है वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर निर्मित होता है, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड बाय वन आर मोर देन वन सेल। दूसरा जो बताया गया सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जो कोशिका होती है वो किसी भी सजीव के शरीर का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है। और जो तीसरा चीज हमको बताया गया वो बताया गया ऑल द सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी हमारे शरीर में जो भी कोशिकाएं हमको मिलती हैं ये पूर्वत उपस्थित कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप मिलती है। अब हुआ क्या, याद रखना कि जो सेल थ्योरी होता है, सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन भी है, सेल थ्योरी हमारा जो वायरस होता है यानी जो विषाणु होता है उस पे अप्लीकेबल नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि सेल थ्योरी कहां फेल हो जाता है या सेल थ्योरी किसके ऊपर लागू नहीं होता, तो जो हमारा वायरस होगा या जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विषाणु, विषाणु पे सेल थ्योरी अप्लीकेबल नहीं होता है। अब यहां पे इतने सारे सेल थ्योरीज और दुनिया भर की चीजें आ रही थी सेल के ऊपर, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे और इनका नाम था भाई साहब का रुडोल्फ विर्चाऊ, क्या नाम था इनका, रुडोल्फ विर्चाऊ। और ये जो रुडोल्फ विर्चाऊ भाई साहब थे इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया बहुत ही ज्यादा स्पेशली यूपीपीसीएस और बीपीएससी का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इनका स्टेटमेंट जो था वो था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। याद रखना कई बार तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इस स्टेटमेंट को किसने दिया, और चार ऑप्शन होंगे रॉबर्ट हुक, स्लीडन, सॉन एंड रुडोल्फ विर्चाऊ। तो ये जो स्टेटमेंट था ओमनिस सेलुला ई सेलुला इसको किसने दिया, रुडोल्फ विर्चाऊ ने। एक बार आपको दिया गया है ओमनिस सेलुला ई सेलुला और पूछा गया है इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, तो जो ओमनिस सेलुला ई सेलुला है इस स्टेटमेंट का जो मतलब है ये तीसरा वाला स्टेटमेंट, यानी ऑल द सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसका मतलब यही होता है। मॉडर्न सेल थ्योरी इन्होंने दी थी उसमें इस चीज को इन्होंने मेंशन किया था। अगला क्वेश्चन जो आया है हमको दिया गया है ऑल द सेल्स आर अराइजेस
फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट का ये डिटेल है और वहां पे क्या है ओमनी सेलुला ए सेलुला। तो केवल एक ही नाम से हमसे तीन क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है और ये जान लो कि पीसीएस का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, सेल साइंस की ब्रांच जहां पे हम कोर्स का अध्ययन करें क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। सेल का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने, कैसे किया वो हम लोगों को पता चल गया। कोर्स का सिद्धांत का सेल थ्योरी किसने दी, तो स्लीडन एंड स्वान ने कब, 1838-39 में। उसके बाद में सेल थ्योरी में हमको तीन चीजें बताई गई, लेकिन ये सेल थ्योरी किस पे अप्लीकेबल नहीं होता, वायरस पे। और हमको ओमनी सेलुला ई सेलुला यानी मॉडर्न सेल थ्योरी जो दिया उसमें ये स्टेटमेंट किसका था, रुडोल्फ विर्चाउ का। अब ये तो मेन था, लेकिन इसके सिवा भी हमसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे इसको हटा लेते हैं, फिर देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है हम लोगों से यहां पे, सबसे बिगेस्ट सेल क्या है, तीन क्वेश्चन आता है बेसिकली। एक होता है बिगेस्ट सेल यानी सबसे बड़ी कोशिका, दूसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो होता है लार्जेस्ट सेल यानी सबसे लंबी कोशिका, और तीसरा क्वेश्चन जो हम लोगों से यहां अराइज होता है वो होता है स्मॉलेस्ट सेल यानी सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल यानी कि सबसे छोटी कोशिका। अब यहां पे इससे कम से कम चार से पांच क्वेश्चन आते हैं हमारे, कैसे आता है हम लोग देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है हमसे कि पूछा जाता है सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे बिगेस्ट सेल कौन है। तो अगर हमसे बात हो कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे बिगेस्ट सेल कौन है, तो ये होगा एग ऑफ ऑस्ट्रिच। क्या होगा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, इसको हिंदी में बोलते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट सेल यानी सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो ये होगा नर्व सेल, नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल यानी कि क्या होगा, तंत्रिका कोशिका। याद रखना यहां से एक क्वेश्चन हमसे और भी पूछा जाता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है इसकी यूनिट को क्या कहते हैं। तो अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो इसके यूनिट को बोलते हैं न्यूरॉन। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसके यूनिट को क्या बोलेंगे, न्यूरॉन। सिमिलरली हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है या हमारी जो किडनी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, तो जो उसकी यूनिट होगी वो होगी नेफ्रॉन। क्या होगा, नेफ्रॉन। ऐसे क्वेश्चंस कई बार हम लोग उससे पूछे गए हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सेल या सबसे छोटी कोशिका, और जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल या सबसे छोटी कोशिका होती है इसका नाम होता है PPLO। एक बार तो हमसे इसका फुल फॉर्म पूछा गया है कि PPLO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO का फुल फॉर्म क्या होगा, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, PPLO। अगला क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, तो अगर हमको ऑप्शन में PPLO ना मिले तो इसी का दूसरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा। क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बोले या PPLO बोले दोनों एक ही है, तो ऑप्शन में हमको चाहे PPLO मिले चाहे माइकोप्लाज्मा मिले, ये दोनों एक ही है। क्या होंगे, सबसे स्मॉलेस्ट सेल यानी सबसे छोटी कोशिका। अब यहां पे अगला क्वेश्चन ये है हम लोगों से, PCS का क्वेश्चन है। दरअसल माइकोप्लाज्मा का जो है ना, इसके दो स्पीशीज होते हैं और हमसे पूछा गया कि उनमें से कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसकी माइकोप्लाज्मा की एक स्पीशीज है गैनीसेप्टिकम, जो माइकोप्लाज्मा की गैनीसेप्टिकम वाली स्पीशीज है ये सबसे छोटी स्पीशीज है। तो इंट्रो वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा, सबसे बिगेस्ट सेल
शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका यानी सबसे लार्जेस्ट सेल नर्व सेल, और सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होगा पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म पूछा गया है तो प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और अगर पीपीएलओ नहीं दिया है तो माइकोप्लाज्मा होगा। पीसीएस में क्वेश्चन आया कि माइकोप्लाज्मा के स्पीशीज कई सारे दिए थे और पूछा गया था कि इसमें से कौन सा होगा, तो माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम जो होगा वो क्या होगा सबसे स्मॉलेस्ट सेल होगा। ओके, ये इंट्रो वाला पार्ट था। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो होगा यानी सेल का प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स क्या होते हैं वहां से कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।